यस, मिस विधि ने वापस ऑफिस ज्वाइन कर लिया। मैंने विधि के फादर के साथ बात की और उन्हें कन्विंस किया कि उसे नौकरी छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सबको यही लगेगा कि गलती इसी की थी। शायद इसीलिए उसे नौकरी से बाहर निकाला था, या फिर उसके माँ बाप ने गुस्से में उसे वापस घर बुला लिया। हालांकि सच ये है कि विधि की इसमें कोई गलती नहीं थी। मैं एक और बात क्लियर करना चाहता हूं कि मिस विधि की शादी की बात चल रही है आजकल, और मैं नहीं चाहता कि उसका नाम खराब हो, उसके खिलाफ कोई गलत रूमर फैले या उसका नाम उछाला जाए। विधि ने वापस ऑफिस ज्वाइन किया है, उसके माँ बाप तो मान गए हैं, लेकिन अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पता करना कि सारे सर्कस के पीछे जो जिम्मेदार है उसको सामने लाऊं और उसे सजा दूं। और मैं वादा करता हूं कि सजा उसको मिलकर रहेगी। और आप में से कोई भी अगर मुझे इतना सा भी जानता है तो उसको यह पता होगा कि मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। मिस विधि, अब तुम बताओ, तुम्हें किसी पे शक है? क्या हुआ था पार्टी में? मेरे आने से पहले क्या हुआ तो बताओ, कुछ याद है? मैम के लिए ऑरेंज जूस, थैंक यू। विधि, कमोन कमोन, लो ऑरेंज जूस है, देखो मैं भी पी रही हूँ। मैम जूस नहीं, बस कमोन एक और, एक ग्लास जूस से क्या होगा? मिस विधि, तुम्हें जूस किसने ऑफर किया था? I'm sorry, मुझे याद नहीं है। किसी को कुछ कहना, कुछ भी? ठीक है, लगता है मुझे ये अपने हिसाब से हैंडल करना पड़ेगा। प्लीज आप सारे अपने फोन निकालिए और अपने घर वालों को फोन कीजिए और कहिए कि आज आपको लेट हो जाएगा, क्योंकि जब तक ये पता नहीं चल जाता कि ये किसने किया है तब तक यहां से कोई घर नहीं जाएगा। हमारी कंपनी की ऑफिशियल पार्टी में, हमारी कंपनी की एक एम्प्लॉई के जूस में नशा मिला दिया जाता है। क्राइम है ये! क्राइम है ये! क्राइम है ये! It's criminal! 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 कुछ भी हो सकता था मिस विधि के साथ। आप लोगों को अंदाजा भी है? ये कोई बच्चों वाली बात नहीं है कि खाने में ज्यादा नमक डाल दिया या मिर्ची डाल दी, नशा मिला है कैटरिंग पे। मैं छोड़ूंगा नहीं, आई प्रॉमिस।